जैसे कि अभी मैं इसका अगर घीस के स्मेल लू इसका स्मेल आता है मैच्योर स्टेप हम नीचे रख रहे हैं देखो इसको रूट्स देखो काफी पूरा भर चुका है रूट्स का ये ड्रिप लाइन जो है वो बाजू में लिया

लेने वाले हैं खास करके ये जीरे में फार्मर्स हमारे कैसे फंसते हैं इसमें इनकम कितना होता है इसके बारे में भी कई सारे सवाल हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे जो हमारे नए नए वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और सब्सक्राइब करना फ्री में है फ्री में है तो ज़रूर कीजिएगा तो आज हमारे साथ यहाँ पर राजेंद्र जगदाड़े सर हैं नमस्कार सर नमस्ते नमस्ते तो सर की टोटल जो है यहाँ पे साढ़े तीन एकड़ जिरेनियम की खेती है प्लस इनका जो है कृषि विकास केंद्र भी है जहाँ पे इनका दवाइयाँ बिक्री होती है वहाँ से और इनको काफ़ी सारा अनुभव है इनकी अंगूर की बगिया भी हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट ये अपने खेत पे करते रहते हैं खास करके ये जिरेनियम का भी किया है और यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे ग्रो करके आज कटिंग भी हो रहा है तो सर मुझे पहले तो आप ये बताइए कि जिरेनियम की खेती क्या होती है जिरेनियम एक एरोमेटिक प्लांट है एरोमेटिक इंडस्ट्री में जिरेनियम, सिट्रोनेला पामा लेमनग्रास लेमन ग्रास बहुत से क्रॉप है पहले तो मुझे बताइए ये जो जीरेनियम है ये क्या होता है इससे क्या करते हैं इससे? ये हार्वेस्टिंग करके हाँ। इसका ऑयल निकालते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन मेथड है ऑयल निकालते हैं। ये ऑयल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री देन ये बनाने के लिए परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज होता है अच्छा जैसे कि अभी मैं इसका अगर घीस के स्मेल लू तो इसका स्मेल आता है रोज रोज जैसा रोज जिरेम हाँ। भी बोलते हैं इसको मतलब ये कौन सी वैरायटी है ये केलकर केलकर चाइना करके वैरायटी है तो चाइना चाइना केलकर इसको रोज रोज की तरह हल्का हल्का स्मेल इसका आ रहा है हाँ, हाँ, हाँ। तो यही पत्तिया का ये प्लांट होता है राइट और इसी को हम ग्रो करते ग्रो करते हैं है। तो ये पूरे इंडिया में इसको कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं यूपी में हो रहा है एमपी में हो रहा है महाराष्ट्र में बहुत जगह हो रहा है ये अच्छा हो रहा है हो रहा है इसके लिए पानी कितना चाहिए पानी जो शुगर केन जो है गन्ने को जितना पानी है उससे चार गुना कम पानी लगता है इसको अच्छा मतलब क, कम पानी लगता कम पानी है और मुझे ये बताइए थोड़ा सा इधर आ, आके हम देखते हैं कि इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए वो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए क्योंकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट जो है बारिश कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है तो बेसिकली कैसे होना चाहिए क्लाइमेट ड्राई होना चाहिए ड्राई और बारिश भी कम होना चाहिए ज्यादा बारिश का एरिया जो है वो कोकन वगैरह जो एरिया है वहाँ नहीं हो सकता है तीन चार महीने उधर प्लांट ही नहीं आएगा इसका प्रॉब्लम क्या है इसको पानी जब लग जाता है ज्यादा वाटर स्टेगनेंट सॉइल जो होती है पानी रहने वाला उधर प्लांट थोड़ा सा मर जाता है उसको दिक्कत करेगा ये प्लॉट जो ये कितना आज यहाँ पे कटिंग चल रहा है तो थोड़ा सा कटिंग के बारे में पहले यहाँ दिखा दिए कैसे कटिंग हो रहा है ये इधर जो है फर्स्ट कटिंग है इसका फर्स्ट कटिंग है इसका ये जो है मैच्योर स्टेम जो है मैच्योर स्टेम हम नीचे रख रहे हैं और जो टेंडर लीज है टेंडर स्टेम जो है वही ले रहे हैं मतलब ये ऊपर के हाँ ऊपर के ऊपर के यहाँ से यहाँ से मैच्योर है वो छोड़ रहे हैं नीचे का हिस्सा छोड़ रहे हैं नीचे, नीचे का छोड़ रहे अच्छा तो हम ये प्लांट आपने लगाया ऑयल 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 परसेंटेज अच्छा अच्छा मिलेगा आएल आएल अच्छा मिलेगा ऊपर में निकलता है है ठीक मतलब प्लांटेज महीना पहले हमने इसको लगाया है। लगाया है चार महीने बाद ये कटिंग कर रहे हैं कटिंग कर और ये जो पूरा निकला हुआ मटेरियल है इसका हम ऑयल निकालने के लिए मशीन में ले जाएंगे मशीन में ले जाएंगे इसको पूरा आज जाएगा ये राइट और आज ही निकलेगा कि कल निकलेगा आज ही निकलेगा आज ऑयल निकलेगा आज ही निकलेगा और वो ऑयल फील्ड बिक्री होता है राइट right. अब ये जो कटिंग हो चुका है ये कटिंग के बाद दोबारा फूटेगा ये दोबारा आएगा हर तीन महीने में कटिंग के लिए आएगा ये और ये एक बार लगाने के बाद टाइम तक 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 चलता है? तीन साल तक। तीन साल तक चलता है है साल साल रहता बहुत ही बढ़िया गजब है मतलब दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है क्योंकि ये ऐसी फसल है इसको बार बार प्लांटेशन आपको करने की जरूरत नहीं है प्लांटेशन का बार बार जो खर्चा होता है फार्मर लोगों का डीजल बढ़ रहा है और ट्रैक्टर का खर्चा है लेबर का खर्चा है प्लांटिंग मटेरियल ये सब बचेगा गन्ने जैसे हम सोच रहे हैं। मेरा का भी है। मार्केट में आती है उसके बारे में काफी हाइप निर्माण होता है फार्मर सोचने लगते हैं कि ये सही है कि नहीं ये अच्छा है कि नहीं इसके आगे सेलिंग होगी बिक्री होगी कि नहीं तो पहले ये बताइए कि हमारे फार्मर जब इसकी नर्सरी लाते हैं उसमें काफी आ, फसाया जाता है राइट झोल होता है उसमें काफ़ी तो वो नर्सरी कैसी होनी चाहिए कहाँ से लेनी चाहिए कैसी लगानी चाहिए वो थोड़ा सा बताइए और एक एकड़ में कितनी लगती है नर्सरी नर्सरी रेपुटेड नर्सरी से लानी चाहिए उसने कहाँ से लेके आया है पौधा पहले वो जो सिमैप जैसा अपना राष्ट्रीय संशोधन केंद्र है लखनऊ में है वहां से लाया है तो अच्छा है वो हजार दो हजार प्लांट लगाते हैं बाद में नर्सरी डेवलप करते हैं उससे नर्सरी लानी चाहिए नहीं तो ये जो है ये स्टम्स से भी आता है जैसे कि जैसे कि जैसे ये स्टम्स है अभी निकला ये स्टम्प ये स्टम्स भी लगाया तो आएगा इसको रूटिंग हार्मोन लगाते लगाते हैं और उसको रूट्स आता है बीस बीस दिन में इक्कीस दिन में रूट्स आता है इसको आपका उधर वाला प्लॉट है अभी हम जाके वहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्योंकि इन्होंने ये प्लांट्स भी तैयार किए हैं और अंगूर के बगिया में भी इन्होंने लगाया है, है, अंगूर के बगिया में तो फार्मर ज्यादातर फंसते ये प्लांटेशन में मतलब वैरायटी में फसते हैं कि प्लांट्स लाते समय फंसते है हमारे यहाँ एक ही वरायटी अच्छी चल रही है चाइना खेल कर एक ही वरायटी अच्छी चल रही है अच्छी दे रही है क्या है अभी मार्केट में रूमर ऐसा है जो कोरफड़ है एलोवेरा कड़कनाथ मुर, मुर्गिया पालन उरी। उरी। ये लोग बाईब करते हैं उसमें वो क्या करते हैं हैं सीड्स बेचते है, बेचते सीडलिंग्स है, हैं और बाद में वो क्या बोलते हैं कि हम आपका आपका फसल सब आप, आपका जो क्रॉप है हम लेंगे बाद में वो आते नहीं है इधर फार्मर फंसते है तो ये बाई बैक नहीं है ये बाईबैक नहीं है अच्छा हमको ये किसी ने लगाने के लिए बोला नहीं है अच्छा आपने खुद खुद ये स्टडी किया है और लगाया है कोई प्रोमोटर नहीं इसमें दोस्तों ये जो सुगंधी वनस्पति है ना वाकई में काफी सुगंध यहाँ पे दे रही है और जो सुगंध से इन्होंने लगाया है खुद से लगाया ये नहीं कि किसी कंपनी ने कहा है लगाओ ये हमें दो ये खुद से लगा रहे हैं खुद से ऑयल निकाल रहे हैं right. राइट और खुद से ही बेच हम... हमें अब हम मुझे ये बताए कि एक एकड़ में यहाँ पे ये जो प्लांट्स है वो कितने लगते हैं और एक प्लांट कितने रुपए को आता है नर्सरी से लिया वो ट्रे वाला नर्सरी ट्रे से लिया एक प्लांट पाँच रुपए छः रुपये में आता है एक प्लांट वो आ, होना चाहिए डेढ़ महीने का फोर्टी फाइव डेज का प्लांट होना चाहिए अच्छा रूट वाला वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए उसको ज्यादा हो गया तो उसका ग्रोथ अच्छा नहीं मिलेगा ज्यादा कॉल हो गया तो इसका डिस्टेंस जो है वो साढ़े चार फुट का ये ये डिस्टेंस तो, है दो दो, रो में दो साढ़े साढ़े चार फुट का है और प्लांट टू प्लांट जो है एक सवा फुट डेढ़ फुट सवा फुट सवा फुट डेढ़ फुट एक ही प्लांट लगेगा एक बेड पे हाँ हाँ। चलिए हम लोग वो वाले प्लॉट में चलते हैं तो अभी हम सीधे जहाँ से हार्वेस्टिंग हो रहा था वहां से दूसरे फार्म पे आए टोटल साढ़े तीन एकर है तो यहाँ पे कितना है अभी अभी बीस गुंठा बीस गुंठा का है यहाँ पे तो दोस्तों ये भी जो है लगभग अभी पहले हार्वेस्टिंग पे आ चुका है इसकी भी ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारा मेरा सवाल अभी वहाँ पे कट गया कि ये बताइए कि ये हमने साढ़े चार फीट के हिसाब से लगाया राइट और सवा फीट पे एक एक प्लांट लगा तो एक एकड़ में कितने प्लांट्स लगेंगे साढ़े आठ हजार साढ़े आठ हजार लगेंगे, लगेंगे। हाँ। और इसको पानी आप कैसे देते हैं ड्रिप इरिगेशन से देते हैं पानी अच्छा इसमें ड्रिप ड्रिप इरिगेशन लगी हुई है इसमें ड्रिप है इसमें अच्छा ये ड्रिप है ये ड्रिप है ओके मतलब पानी के लिए भी ड्रिप है ड्रिप है ये बढ़िया आइडिया है मतलब पानी के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और जब हम प्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए मौसम कैसा होना चाहिए ऐसा कुछ है क्या मतलब ऐसा कुछ नहीं है ये साल में कभी भी लगा सकते हैं

मतलब अगर हम आठ हजार प्लांट लगाए छह रुपए से पकड़े अड़तालीस हजार रुपए के आसपास हमारा खर्चा हो सकता है लेकिन आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये स्टम्स हाँ। निकाल के प्लांट्स बना सकते प्लांट बनाते हैं जैसे बनाया है, वो थोड़ा बनाया है आइए देखते हैं इधर हमने बेड बनाया है एक ही बेड बनाया है बहुत मस्त बनाया बेड बनाया है और इसको क्या किया पानी छोड़ दिया और चिखन नहीं किया पूरा मड है ना थोड़ा किया मड़। मिक्स किया मड टोटल मिक्स किया मड और वो मड में हमारा लेबर बंदा उतार के ऐसा प्लांट एक 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 -क -क करके रख दिया प्लांट लगे पास पास में प्लांट मतलब आपने स्टिक निकाली थी स्टिक निकाली थी कौन से साइज की स्टिक निकाल के लगाई है पेंसिल से थोड़ा मोटा पेन साइज स्टिक थी हाँ। और छह अच्छा, मतलब, फार्मर को फिर एक बार लेने के बाद दूसरी बार लेने की जरूरत नहीं जरूरत ही जरु, नहीं है फार्मर ने क्या करना है स्टम्प लेके आना है नजदीक का जो फार्मर है किसान है उसे स्टम्प लेके आना है और खुद ही लगाओ ना ऐसा तो ये कितने का आपको पड़ जाएगा एक प्लांट <coughs> ये डेढ़ आप पड़ जाएगा खुद को खुद को हाँ मैं दो ढाई रुपए से भी बेचा तो ही चलता है अड़तालीस राइट 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 एक रुपए में हो तो दस हजार में हो जाएगा इसको रूट कितना आया है हाँ वो भी देख लीजिए जरूरी है दोस्तों रूट भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है इसके रूट पूरे बन जाना चाहिए

जो हाँ, पुरानी मेथड थी हम बैंगन मिर्ची लगाते थे ना हाँ, सेम टाइप का किया है कोई सेम टाइप का किसान लोगों ने ये थोड़ा अपनाना चाहिए, खर्चा बचाना चाहिए तो हम प्लांटेशन बढ़ा सकते हैं यहाँ पे टोटल कितनी नर्सरी बनी आपकी हजार बीस हजार बीस हजार प्लांट्स आपने यहाँ पे बना आप खुद के खेत में लगाने राइट ओके बहुत ही। तो दोस्तों इन, इनका कहना है कि आपको अगर बचाना है तो ऐसे खुद ही आप नर्सरी बना सकते हैं और आपके खेत पे आप ऐसे प्लॉट जो है वो बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों हमें इतनी अच्छी जानकारी मिल रही है तो इस वीडियो को शेयर करना आपका हक बनता ही है जरूर इसको शेयर कीजिएगा अब हम इसकी जानकारी ये लेंगे कि ये जो जिरेनियम है जिरेनियम लगा देने के बाद इसको क्या फर्टिलाइजर देना है ग्रो कैसे करना और स्प्रे का शेड्यूल क्या रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजीज अगर आ जाते तो हमारी फसलें खराब हो जाती है तो इसकी जानकारी लेते तो पहले तो हमें ये बताइए कि इसको लगाने के बाद चार महीना हार्वेस्टिंग पहला करने तक तो क्या हम फर्टिलाइजर देते हैं पहले सबसे पहले लगाया और बाद में दो दिन में हमने ड्रिप से ड्रिप इरिगेशन से ह्यूमिक एसिड डालवा दिया ह्यूमिक एसिड बाद में तीन चार दिन बाद उसको माइकोराइजा करके एक पपुंदा वो माइकोराइजा डालवा दिया उससे क्या होता है पूरा स्पोरस जो है फॉस्फोरस वो अपटेक करता है और मूली को देता है यानी कि वो जड़ को देता है वो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो होता है ये हो ये होने के बाद हमने उन्नीस 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 चार किलो पर एकड़ के हिसाब से दिया और बाद में पंद्रह दिन के बाद बीस दिन के बाद उन्नीस उन्नीस दो बार दिया और दो बार जीरो बावन चौतीस जीरो बावन बाद में एक जिंक और सल्फर उससे सब साइंटिस्ट बोल रहे हैं

Oh. वो जो मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट होता है ना उसमें भी यूज होता है तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों यहाँ पे इनके कहने से मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ के स्प्रे का खर्चा भी कम है इसमें कम है और फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर का भी खर्च भी खर्चा कम है इसको स्प्रे चार स्प्रे हो गए चार महीने में <laughs> बस चार स्प्रे एक है पेस्टिसाइड और फंजिसाइड हाँ। और दूसरा माइक्रोन्यूट्रंट के स्प्रे है तीन बस स्प्रे ही नहीं है और चार फोर टू फाइव टाइम्स चार पांच बाद ये फर्टिलाइजर डाला है तो क्या किसान भाई हमारे इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं है। तो अभी तीसरा प्लॉट आपका देखते हैं अंगूर का। है, यू। तो एक, पे पे है। एक साइड ये और एक साइड ये तो सर हमें ये बताया आपने ये इसमें क्यों लगाया क्या वजह थी जो कि इसमें आपने लगाया ये जीरेनियम इस साल क्या हुआ अंगूर को बहुत ही कम बंचस मिले पांच आठ दस अन इवन सब

जितना भी बढ़ गया वो इधर आएगा वो उधर मैच हो जाएगा डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस मैच हो जाएगा सही कहा, और ये इंटरक्रॉप हो जाए, हो सकता ही है ये वैरायटी जो है हमारा वो वैरायटी हमको चेंज करना है हम इधर ब्लैक लगाएंगे बाद में ग्राफ्टिंग करने के बाद ये डेढ़ साल जाएगा अठारह महीना अच्छा जाएगा तब तक क्या करेंगे ना खाली नहीं खाली नहीं रह सकते जब तक ये आता नहीं है तब तक ये लेंगे वो दोनों भी आता है तो दोनों लेंगे उसमें क्या है सही है इसका भी आपने सेम स्टम्पी लगाया

पहला कटिंग उसमें एट टू टेन टन पर एकर ऐसा निकलता है आठ टन दस टन निकलता है बाद में तीन तीन महीने के बाद वो दूसरे कटिंग लेते हैं साल में चार कटिंग मिलते हैं इसके मतलब साल में हम लोग ये जब ग्रो करेगा हा हा। तो इसके चार कटिंग लेंगे चार कटिंग तो लेंगे तो साल में जब चार कटिंग इसके लेंगे तो कितना इल्ड निकलेगा टोटल टोटल फोर्टी टू फिफ्टी टन चालीस तो पचास टन पर एकर पर ईयर चालीस टन तो निकलेगा चालीस टन तो निकलेगा एक एकर में। एक बारह सौ एम एल ऐसा निकलता है एक टन से एक किलो पकड़ो की कि चालीस किलो ऑयल हमारे पास रहेगा चालीस चालीस किलो चालीस किलो ऑयल का पैसा कितना हो जाएगा साढ़े अकड़ा बारह हजार पर किलो के हिसाब से साढ़े तो, चार लाख लाख रूपया हो सकता है एक, एक साढ़े चार लाख रुपए हो सकता है अच्छा जोड़ा कितना तो, एक से डेढ़ लाख इसमें तो ये बताइए की एक एकड़ में हमें इतना माल निकल रहा है तो हम हर साल इसका कटिंग तीन चार चार बार लेंगे तो कटिंग करने के बाद आप ये खुद ही ऑयल निकाल रहे कि किसी को दे रहे अभी हमें हमने प्लांट नहीं बिठाया है हम दूसरा जो दोस्त है हमारे वहाँ हम प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेसिंग सिंपल डिस्टिलेशन मेथड है वो प्रोसेसिंग सीधा है वो बॉयलर होता है स्टीम पास करते हैं वेसल हुँ। में हुँ। और कंडेंसर से ऑयल और पानी बाहर आता है ऑयल और पानी बा, बाद में सेपरेट होता है सेपरेटर से ऑयल एक बाजू एक बा, बाजू को ऑयल जाता है एक बाजू को पानी जाता है सिंपल डिस्टिलेशन उसको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है कुछ नहीं फार्मर खुद कर सकते हैं खुद डिस्टिलेशन प्लांट लगा खुद कर सकते प्लाद लगा सकते हैं सबसे जहाँ अहम बात यह है कि बेचने की लोगों के मन में कई सारे सवाल आते हैं कि हम इसको बेचें कहां पे ये बहुत बड़ी समस्या है वो कैसे करेंगे मार्केटिंग बेचने के लिए क्या है ये अरो, अरोमा इंडस्ट्री के लिए वो परफ्यूम सेंट्स और इसेंस बनाने के लिए और सोप फैक्ट्री में क्रीम्स वो वगैरह जो बनाते हैं ना इसमें ये बेसिक मटेरियल है ओके इसमें जीरनियल आप पॉन्स का भी डब्बा लेते हैं ना पॉन्स का पाउडर हाँ, का फेस पाउडर का उस पर लिखा है, है। तो <laughs> मतलब सुबह सब... पॉन्ड्स लगाओ शाम को मच्छर के लिए जो होता है ना वो वो गुड नाइट वाला उसमें भी सिटो रहता है हर एक जगह पे जिरेनियम का इस्तेमाल हो रहा है वो जिरेनियम ऑयल का जो है बहुत बड़ा डिमांड है वो अभी चाइना वगैरह कंट्री से इम्पोर्ट होता है वो हमको लगता है मेरे ख्याल से मैंने अभी पढ़ा है बहुत पेपर से नॉलेज मिला है वो बहुत ही सब इम्पोर्ट ही करते हैं वो उसका डिमांड ही पूरा नहीं होता मतलब है मतलब अगर भारत में बहुत बड़ा प्रोडक्शन बढ़ जाए तो भी भारत में ही सप्लाई हम लोग करके फिर एक्सपोर्ट हैं इंडस्ट्री जो है दस बीस साल तक चलेगा दस साल तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दस साल तो मतलब ये सेलिंग में डिमांड बहुत है इंडिया में डिमांड बहुत अच्छा है आप ये कहाँ पे बेचेंगे खुद से बहुत सी कंपनियां है लेकिन हमारा टाइप होने जा रहा है वो एस एच के थाने की है हाँ। वो बहुत पुरानी कंपनी है वो मार्केटिंग टाइप भी करते हैं एग्रीमेंट करते हैं वो लोग और पंद्रह दिन में फार्मर के अकाउंट्स में पैसे डालते हैं दो किलो भी लेके गए ना उधर वो लेती है कंपनी तेल लेगी हो तो तेल की क्वालिटी वगैरह कुछ चेक करती है वो चेक करते हैं क्वालिटी चेक करते लेते हैं

तीन साल तक चलता है नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है कुछ नहीं है इसको कोई जानवर खाता नहीं है और दूसरा इसको स्प्रेइंग कुछ नहीं है expenses कुछ भी नहीं है स्प्रेइंग हार्डली दो तीन स्प्रे होते हैं इसके बहुत कम बहुत कम स्प्रे है मतलब आपका कहना है कि ये फसल जो है इजीली सिंपल कोई भी फार्मर ले सकता है राइट आसानी से ड्राई क्लाइमेट में बहुत अच्छा है ड्राई क्लाइमेट में अच्छा रेनी सीजन में, नहीं है। रेनी जो के कोकोन में, में या तो आगे जो ऑयल निकल रहा है उसका भी हमें वीडियो करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स खाली है भरते जाइए और भी जो अगर सवाल कुछ रहे होंगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पक्का पूछिएगा तभी मुझे पता चलेगा आपको और इस किस बारे में आपको वीडियो चाहिए कैसे चाहिए तो आज हमने देखा बेसिक की जिरेनियम क्या होता है ये एक सुगंधी वनस्पति है इसको कैसे लगाया जाता है एक एकड़ में कैसे पानी कौन सा लग, कैसा लगता है ज़मीन कैसे चाहिए काफ़ी सारी हमने जानकारी ली दोस्तों आपको कैसे लगा ये और आपका व्यू क्या है आपका पॉइंट ऑफ आप व्यू क्या है कमेंट बॉक्स में फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ढेर सारा दिल खोल के शेयर कीजिएगा क्योंकि हर एक फार्मर के पास इसकी जानकारी जानी चाहिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा क्योंकि फ्री है और सबसे आखिरी बात वावर है तो पावर है धन्यवाद